देखो भैया उन्होंने सब किश मटके च पाए दा, निक्के तो निक्के लिया मटका, बड़े तो बड़ा मटका। क्या बात है, दिखन चाहिए इन्ना, मैं आखा नहीं ना, मेरे मैं पानी नहीं कंट्रोल करी सकती। नालू टिक्की दी बारी है, ये भी मटके च ही बननी है, तो हूँ जा दी है टिक्की विच। सारी चीज़ा ना भैया ने इंग्रीडियंट जड़े हैं ना इधरों सारे मटके जो पाइए रखे देने, ए टू जेड चीज़ा जड़ी हैं ना मटके पर। उन अगला जा रहा है पापड़ी प्लेन दही, ठीक है जी भाई, चाट पापड़ी वाला दही नहीं बिच पा दे भैया, आखा दे मैं अलग दही रखे दा, वो पाना मैं बिच। धनिया और पुदीने की चटनी जड़ी होती ना हरी चटनी, हूँ जा करती है साड़ी फेवरेट लाल लाल चटनी, लाल चटनी उपर गार्निशिंग वास्ते। ओके वाह, मटके का तो मैं पर्सनली आ गई तुम्हें तो लोगों की कि ये पाइए देना ना बेकार नहीं जाता, ठीक है तुम्हें तो भी फ्लेवर आना है। के हाल है जम्मू वाले, आऊँ हाँ सुप्रीति के शर्मा, मैं ठीक हाँ, तो आशा करगी तुम सारे लोग भी ठीक हो गए। तो मिगी एक गल सुनाओ, हाँ दही पल्ला चाट पापड़ी जो तुम खाधे दा होना भाई शादी ब्याह पर भी खाधे होना, इं भी दुकाना पर जाइए खाधे दा होना, आलू टिक्की भी खाधी दी होनी। तो अज मैं तो ना एक ऐसी जगह तुप्पी लियाई है ना कि पहले तो मेरे हाथ दिखो तो लभा दो ए मटका, निकी हारी घगरी आखी सकते उसी घग जी है, तो फ्रैशली ये बनी दी है। तो ये ना तुम्हें तो अज अस खिलान लगे हैं दही पल्ला चाट पापड़ी। जी हाँ, यूजुअली मटके अस पानी पीने वो की करी सकने कि गर्मी आखते ना कि मत ठंडी रही पानी ठंडा पीना चाहिए, तो अज अस जी दुकान पर तुम्हें तो ले आई हैं। इतने भैया और आखते कि अस जी आलू टिक्की भी है वह भी तुम्हें तो मटके देंगे, दही पल्ला चाट पापड़ी भी तुम्हें तो मटके च थोड़ा, वैसे तो मैं सुना है कि स्वाद भी बहुत चंगा है। तो चली आइए बनावट भी दिखने कि कई बनती है, तो खाने भी हाँ हूँ भैया कन्नै गलबात भी करने। अच्छा भैया मिगी हुन हिंदी च गल करनी पौनी, समझी आओ थोड़ा। भैया आपका नाम? प्रीतम है। हां प्रीतम, प्रीतम दा म्यूजिशियन प्रीतम सिंह। ओके तो भैया कहां से हो आप, जम्मू से तो लग रहे? नहीं मैं उत्तर प्रदेश से हूं। यूपी से हो? ओके अभी अभी आप पहले क्या बना के बताओगे? पहले चाट पापड़ी है हमारी, चाट पापड़ी दही भल्ला, ठीक है। तो मुझे ये बताओ ये मटके खुद ही प्रिपेयर होते हैं या ये फिर बने बनाए पकड़ते हो कहीं से? नहीं ये बाहर से मंगाते हैं। बाहर से मंगाते हो? राजस्थान से। सबसे पहले आप क्या करोगे? भल्ला डालोगे। क्या डालोगे? भल्ला, दही भल्ला। ओके उधर देखो सब तो पहला बिच गया है भल्ला। मुझे शायद चीज जड़ी दर्दी हुई लग रही है कि सारी चीज़ा ना भैया ने इंग्रीडियंट जड़े हैं ना इधरों सारे मटके जो पाइए रखे देने, ए टू जेड चीज़ा जड़ी हैं ना मटके पर। उन अगला जा रहा है पापड़ी। पापड़ी ओके, मेरे मुँह च तो सुनिए ही पानी आ रहा है। जेकर सारी वैडिंग जी आखा दी इंडियन वैडिंग होंगी ना दही पल्ले चाट पापड़ी, तो चाट तो स्पैशली जरूर होंगे। चने चने उबले हुए, उसमें मसाला डाला कुछ चने में? मसाला है इसमें, मसाला फिर ऊपर से और मसाला डाला। ये कोई स्पेशल मसाला या नॉर्मल? नहीं अलग से बनाते हैं, खुद पीसते हो? खुद। ठीक है, क्या क्या गया वैसे मसाले में? खड़े मसाले हैं, खड़े मसाले, खड़े पीस के और चाट मसाला मिला के जब काला नमक वगैरह। ठीक है, तो अगला क्या जाएगा? अगला जीरा हल्का, जीरा भुना हुआ, भुना हुआ जीरा। ठीक है, नीचे से चटनी हरी वाली, धनिया पुदीना मिर्च, धनिया और पुदीने की चटनी जड़ी होती है ना हरी चटनी, हूँ जा करती है साड़ी फेवरेट लाल लाल चटनी, लाल चटनी या आमचूर वगैरह से मिक्स करके ही बनाते हैं। जी जी जी। और चीनी और गुड़ हमका उनके जाना, अब दही दही जाएगा। हूँ तुम देखो भैया उन्होंने सब किश मटके च पाया था, निक्के तो निक्के ले है मटका, बड़े तो बड़ा मटका। क्या बात है, दिखन चाहिए इन्ना, मैं आखा नहीं ना, मेरे मैं पानी नहीं कंट्रोल करी सकती। हरी चटनी डालूंगा, हरी चटनी ऊपर से और। ओके अच्छा भैया, जिसको तीखा ज़्यादा खाना उसके लिए क्या इलाज है? तीखा तो फिर हरी चटनी बढ़ाते हैं जितना तीखा खाना भी डालते हैं। अच्छा फिर और हरी चटनी, ठीक है जी। और कितने का एक वो रहता है? ये 90 रुपए की देते हैं इसमें। 90 रुपए का? ओके। फिर इसमें जीरा, जीरा ऊपर से, फिर जीरा गार्निशिंग हुआ कर दिए थी, मिक्सचर मिक्सचर। ओके नवरत्न मिक्सचर। ये भी पैकेट वाली लेते हो या अपनी बनती है? नहीं पैकेट वाली, पैकेट वाली अपनी। हल्का सा चकुंदर, चकुंदर बीट रूट चकुंदर जड़ी है ऊपर गार्निशिंग वास्ते। ओके वाओ, ये आइटम डालते हैं, यही आइटम्स हैं। ओके तो इसकी
वैसे हुन तुस सारे दिखो हाथ चो मटका फड़िए ही वैसे बड़ी शैल फीलिंग आ रही है ते खुशबू भी मसाले जेड़े आखा दे अपने पीसने हैं ओदी भी खुशबू अलग ही आ रही है ते मैं ना मिगी एनी वेट होआ दा कि मैं चखा ते सुना कि कियां बनी दी है 90 रुपए दी ना ये वैसे ये जेड़ा मटका है ना दही भल्ला चाट पापड़ी दा 90 रुपए दा कमी पेशी कोई नहीं छड़ी दी है दही भी रजिए पाए दा है तो साग के दही कट पाए दा चटनियां भी पाए दियां मसाले भी मजा आ गया मिगी तिखा इन्हें नहीं पसंद अड़ी चटनी ज्यादा होई दी है तुसी अपने स्वाद अनुसार कट बद कराई सकते हो पापड़ी दा करारापन अलग ओदा टेस्ट अपनी जगह पल्ला भी शैल बने दा मसाले भी अलग निकली आ दे बस मैं कदे सोचदा नहीं हा कि मैं दही पल्ला इया मटके च पाइए खागी दही पल्ला चाट पापड़ी ते मैं खाई बैठी हां ते मैं तुसी गल सुना ना मटके च पान दा जेड़ा मकसद है वो जरूर पूरा होया विच खांदे खांदे ना जिहड़ी मिट्टी दी जिहड़ी खुशबू हुंदी है ना वो भी असां के जरूर आई है ते ओहदे कन्ने स्वाद जेड़ा और वधी है हुण बारी है आलू टिक्की दी जेकर आलू टिक्की ते तुस लोके प्लेट च खाधी दी होनी या शादी ब्याह च ते मैं आखां नहीं खाधी होनी आलू टिक्की भी इत्थे आई है तुसें के मटके च लभनी है पूरी फुल करके दूंगा ना फ्राई करके दोबारा सुबह कितने बजे दुकान खुलती है और कितने बजे तक होती है 11 बजे खुलती है 11 बजे रात को बंद हो जाती है 11 से 11 मैं आप तुम्हें की गर्ल्स ना इनकी हाइजीनिटी की भी तारीफ है भैया और ने पहले असे दे पहले भी जिन्हें की ऑर्डर दिया दे है तो ग्लव्स पाइए ही काम शुरू किया करन तो ये एक चंगी गल है आज जमाने च भाई कोई तो हाइजीन का ध्यान रखा दा हुन आलू टिक्की तो ऑलमोस्ट मी लगा तो रेडी हो गई है करारी आलू टिक्की देनी है आपने हमें अच्छा खुद मुझे बताओ खुद आपको यहाँ का अपना क्या पसंद है हम तो सभी पसंद है ज्यादा हलवाई है क्या खाएंगे कुछ मतलब कुछ तो खाते होगे या जो बनाया चलो एक चीज ये चीज खा ली चाट पापड़ी खा लेते हैं अच्छा मोमोज वगैरह खा लेते हैं अच्छा मतलब अपने हाथ का सब कुछ पसंद है आलू टिक्की दी बारी है ये भी मटके चो ही बननी है तो उन जा दी टिक्की विच अच्छा भैया सिंगल प्लेट डबल प्लेट का भी चक्कर है हाँ अभी आप हमारे लिए कौन सा लगा रहे हो ये मटके की है इसमें 80 रुपए की पड़ती है मटके की 80 रुपए और एक टिक्की दो टिक्की एक टिक्की नहीं फुल दो टिक्की मतलब दो टिक्की ठीक है जी हूँ मैं ये पहली बार दिखा नहीं है कि मटके च आलू टिक्की जड़ी है बिच बना दी है मसाला वही इसमें छोले डालूंगा अब मैं छोले जड़े बने दे ठीक है उन्हें दे बीच जा कर देने चने जड़े की बने देने ग्रेवी वाले ओके क्या बात जी ये भी खुद बनाया आपने ये खुद ही बनाता हूँ सुबह से अब दोबारा और बनाऊंगा ना और बनाऊंगा ओके खत्म हो गए हैं लग गए हैं चाट पापड़ी का दही अलग है हमारा अच्छा और ये प्लेन दही है प्लेन दही ठीक है जी भाई चाट पापड़ी वाला दही नहीं बिच पा दे भाई आखा दे मैं अलग दही रखे दा वो पाना मैं बिच बात है मैं उन आलू टिक्की बनी थी ना मेरे को एदा भी सबर नहीं हुआ था खल तक दही पहुंचाने का तरीका हरी चटनी कम डालना मिर्ची कम खाते हैं मीठी चटनी मटके दे अंदर उन जड़ी है मैं आलू टिक्की खानी है पहली बारी वैसे तो दही पल्ला भी पहली बारी खादा जीरा ऊपर ओके उन आलू टिक्की दी बारी है भाई जेके मेरी पर्सनल फेवरेट है आलू टिक्की प्याज ओके आलू टिक्की जड़ी है और रेडी हो गई है मटके वाली आलू टिक्की हुन जड़ी मटके वाली है आलू टिक्की ये भी आई गई है वैसे तो आलू टिक्की मेरी पर्सनल फेवरेट है ठीक है मैं तुम्हें की सुनाई ओड़ा दही पल्ले का एक्सपीरियंस है बड़ा ही शैल हा मटके का स्वाद अलग आदा हा दही पल्ला अपनी जगह और करारापन पापड़ी का भी तो ये भी देखो कि कोई कमी नहीं है दही भी भैया ने खल तक शैल पहुँचाए दा बिगी आलू टिक्की है भाई
खुशबू तो बड़ी शैल है। इसका भी अलग स्वाद है, बस जोड़ा मर्चा घट खाँदा ना वो मसाले घट पाओ। मटके का तो मैं परसनली आ गई तुम्हें लोगों की कि ये पाइए देना ना बेकार नहीं जाता, ठीक है, तुम्हें तो भी फ्लेवर आना है। बहुत ही स्वाद, बहुत ही स्वाद। दही पल्ला चाट पापड़ी मटके च खाधा, आलू टिक्की भी जी है वह भी मटके च खाधी। मैं तुम्हें तो परसनली सुना ना इन्ना के स्वाद लग्या ना, तुम भी इतने आइए जरूर ट्राई करो। एड्रेस मैं तुम्हें तो दसी ओड़ी हाँ, न्यू चाट किंग ते फन बाइट जो गांधीनगर आला है उदी लेन च तुम्हें तो दुकान लभी आनी है, तो जरूर आओ, आओ खाओ आलू टिक्की का भी आनंद लाओ। तो कदम कदम देखते रहो द बकलोल टीवी।